मोदी चालीसा विमोचन बीजेपी के दामन नहीं छोड़ रहा है। कांग्रेस शुरू से ही मोदी चालीसा का विरोध कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भगवान की तर्ज पर मोदी चालीसा का विमोचन करना ठीक नहीं है, इससे कहीं ना कहीं लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचेगी। वहीं इसी मामले को गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने व्यक्तिगत बताया है। उन्होंने कहा कि ये किसी व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत राय है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से पूरा विश्व मोदी जी का अनुसरण करके कोरोना संक्रमण को हराने के लिए तत्पर है, वैसे ही इस व्यक्ति ने उनके लिए मोदी चालीसा का विमोचन किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह आज पूरा भारत ही नहीं तो दुनिया मोदी जी को पीछे चल पड़ी है और मोदी जी का जय जयकार पूरे दुनिया के अंदर भी हो रहा है। इस अन्य मामलों में तो था ही, आर्थिक उसमें भी, लेकिन ये जो COVID-19 को लेकर के भी यदि बात कहूँ तो अमेरिका भी मोदी जी के पद चिन्हों पर लॉकडाउन ये सारी चीज़ें की है। उन्होंने कहा हम भी ये पहले कर लेते जैसे मोदी ने किया था, शायद है कि इतना हमको नहीं भोगना पड़ता, इतनी जनता त्रस्त नहीं होती और इतने वहाँ मौतें नहीं होती। मोदी चालीसा इसलिए कही गई इनके द्वारा कि ये किसी न किसी रूप में जो इनके ये COVID-19 का जो इन्होंने 60 दिन का लॉकडाउन लगाया था देश पे आपातकाल की तरह, उसको उसी नाकामे को छुपाने के लिए आज की स्थिति यह है कि एक सैंपल जो 10 दिन से महंत इंद्रेश हॉस्पिटल से और दून हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज तक जा रहा है और उसके सैंपल के लिए मेडिकल कॉलेज कह रहा है कि सैंपल पूर्ण नहीं दिया गया, तो मैं समझता हूं कि केवल भाजपा के नेता अपने बड़े नेताओं की चाटुकारिता में और उनकी चरण वंदना में लगे हैं, बाकी इनको जनता की दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है।